चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दलित बताओ कौन के बीजेपी सरकार बढ़िया है, किसी तक पूछवा दो जी। 5 किलो राशन में पूर्ति हो जाएगी जी। पार्लियामेंट में संसद भवन में वो बहन जी है। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है और आज हम फिर से बुढ़ाना विधानसभा सीट के काकड़ा गांव में हैं। काकड़ा गांव प्रसिद्ध गांव है, यहां पर कई वर्ग के लोग यहां रहते हैं, किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं और आज हम दलित समाज के बीच है जो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी बिगुल बज चुका है। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं और इन लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है उसका क्या असर है। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? किशोरी लाल गौतम जी। किशोरी जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है क्या माहौल बनेगा उत्तर प्रदेश में? माहौल अच्छा रहेगा। किसका किसका आपको लग रहा है जोर ज़्यादा है, भाजपा, बसपा, सपा या गठबंधन पर लोग जाएंगे? लोग कुछ गठबंधन पे भी जाएंगे, सब अपनी पार्टी को वोट देंगे। हम लोग बसपा के सपोर्टर हैं पहले से ही, क्योंकि बसपा ने जो काम उत्तर प्रदेश में किया है आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। अब चेक कर लीजिए, बसपा के शासनकाल में जितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल बनाए रहे हैं शायद किसी भी सरकार में नहीं बने। किस तरह लोग सोच रहे हैं? भाई साहब, काम तो कुछ करवाया ही नहीं बीजेपी ने, बताओ क्या काम करवाया? आप बताओ, आप तो घूम रहे काकड़े में, कोई काम करवाओ, कहीं को दिखता हो बताओ, मैं रास्ते में को भी आए होंगे आप। लेकिन कुछ दलित जो है वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार अच्छी है, पिछली बार भी वोट दलित बताओ कौन कह रहा बीजेपी सरकार बढ़िया है, किसी तक पूछवा दो जी, पूरे गाँव में घूम लो आप, अगर दलित एक भी कह रहे बीजेपी सरकार बढ़िया है। लेकिन सरकार भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तो दलितों के पैर भी धोए उन्होंने। सुनो, और अरे भाई साहब, नो क्या, ये तो ड्रामा है, पाँ धोवा लिए न तो हम आपको करवा दे एकदम देसी हो जाए भाई, चलो फिर बाबूजी बन जा, उसका क्या है, वो तो दिखावा है लोगों को। अगर किसी भट्टे मजदूर के खाते में 1,000 रुपये भी दिए हो भाजपा ने, हम वो है गुनहगार, बताओ किसी खाते में आई। अच्छा, महंगाई का किस तरह असर है आम जनता? महंगाई भी आसमान छू रही, पेट्रोल को देख लो, डीजल को देख लो, एक मजदूर को देख लो, मजदूर नीचे है, अन्य सब चीज़ ऊंचाई पे जाती है। ये गेहूँ चावल देते हैं, नमक दिया है, नमक जो आपको दिखाया जाए तो शायद आपको कभी उसको जानवर भी नहीं खा सकते उस नमक को। क्या वो जायज है वो राशन जो मिल रहा है? कुछ लोग कह रहे थे कि लोगों को राशन मिल रहा है, काम की जरूरत ही नहीं है, क्या एक महीना वो राशन चल सकता है बड़े परिवार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 5 किलो राशन में क्या पूर्ति हो जाएगी, उसमें तेल, नमक, चीनी सब चीज़ चाहिए। एक बड़ी घटना हाथरस कांड हुआ जिसमें दलित लड़की थी, भाजपा को नकार है, वो मानसिकता क्या है लोगों की, सरकार की या उसमें जो लोग दलित लोग उससे उस चीज को देख के सब बैठ वो बहन जी बजाएंगे। जो वोट बैंक है वो बहन जी का अच्छा है सबसे, और जो हम बात करेंगे जो हमारे लिए खड़ी है आज भी वहाँ पे पार्लियामेंट में संसद भवन में वो बहन जी है, और बहन जी से अच्छा राज कोई नहीं करता। लेकिन कुछ लोग चंद्रशेखर को भी पसंद कर रहे हैं, उनका क्या है? चंद्रशेखर आज का युवा लड़का है, बहन जी बहुत सालों से रह, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो उनमें ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वही अब की बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगी। चलचित्र अभियान की टीम अभी बुढ़ाना विधानसभा सीट के काकड़ा गांव में थी, जहां पर हमने कुछ नौजवानों से बात की और नौजवानों का मानना है कि इस बार बदलाव तय है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल को जानने के लिए जुड़े रहे चलचित्र अभियान से, धन्यवाद।